वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल, आप देख रहे हो विलेज किंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलूँगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी सिम जो है वो बेस्ट है, या तो मलिता ये वाली सिम बेस्ट है या एपिक सिम बेस्ट है। तो चलिए आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। जब मैं यहाँ पे माल्टा में जब आया था तो मैंने यूज़ की थी मलिता की सिम, पासपोर्ट पे मिली थी। जब मैं ये यूज़ कर रहा था सिम, और मैंने इस पर 10 यूरो की रिचार्ज करवाया, टॉप अप करवाया, 10 यूरो का टॉप अप करवाया। देन उसके बाद जब 1 मंथ हुआ, 1 मंथ के बाद मैंने इनकी ऐप ओपन की, ठीक है। इनकी ऐप ओपन करने के बाद मैं वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कि आप 5 यूरो का भी रिचार्ज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 5 यूरो का रिचार्ज करवा दिया। 5 यूरो का रिचार्ज करवाने के बाद वो रिचार्ज नहीं हुआ, मेरी कॉल्स नहीं जा रही थी, मेरी इंटरनेट नहीं चल रहा था, मतलब ना मेरी कॉल्स जा रही थी ना मेरा इंटरनेट जा रहा था, मतलब मेरे 5 यूरो वो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जो 10 यूरो की रिचार्ज करवाया था, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 10 यूरो का रिचार्ज करवाया था, इन्होंने इसमें मुझे सिर्फ 8 GB दिया था, सिर्फ 8 GB दिया था और 200 मिनट दिया था सिर्फ कॉलिंग के लिए। 1 मंथ हो गया मेरे को यूज़ करते करते। 1 मंथ के बाद क्या हुआ कि मैंने 5 यूरो का रिचार्ज करवाया। 5 यूरो का रिचार्ज करवाने के बाद क्या हुआ कि ना मुझे कॉल मिली ना मुझे इंटरनेट मिला, मतलब 5 यूरो मेरे वेस्ट हो गए। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एपिक की सिम ली जाए। तो उसके बाद मैं जब एपिक के स्टोर में गया तो मैंने कहा चलो क्यों ना सिम पोर्ट की जाए। तो एपिक के स्टोर में पहुंचा तो मेरा यही नंबर जो मलिता का नंबर था वही मैंने पोर्ट करवा दिया था एपिक के सिम में। तो एपिक के सिम में क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं तो स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट को क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ये 29 यूरो का पड़ रहा था स्टैंडर्ड पैक। बेसिक मुझे जो पड़ रहा था वो 24 यूरो का पड़ रहा था, और जो एक्स्ट्रा पैक था वो मुझे 39 यूरो का पड़ रहा था, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट था, मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था, और मैंने स्टूडेंट कार्ड पे ये वाला पैक जो था 29 यूरो का ये लिया। तो इन्होंने इसमें एपिक में एक और चीज़ रहती है, एपिक में ये देते हैं 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो ये देते हैं यूथ प्लान। जो 29 का प्लान था ना मेरा, वो अब कन्वर्ट हो गया यूथ प्लान में, और मुझे पड़ा 19 यूरो का प्लान, ठीक है, 19 यूरो पर मंथ। और देखो 19 यूरो में मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है वो भी 5G, और मेरे को मिल रहा है अनलिमिटेड कॉल, और कहीं पर भी मैं कॉल करना चाहता हूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ, इवन इन इंडिया, बट उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मंथली के बाद बिल आता है इसका। तो ये पड़ता है 19 यूरो में। तो ये मुझे बेस्ट लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं जॉब के लिए आ रहे हैं, तो मेरी तरफ से एपिक सिम जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरा खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो मैंने यहाँ पे आके यूज़ करके मेरे को पता चला। तो जब भी आओगे एपिक की सिम लो, बेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।